Hello guys, welcome to Excellence Academy. In this video, we are going to discuss what is ex parte degree. Ex parte degree क्या होती है? ठीक है? इस वीडियो में हम लोग ex parte degree को पूरे तरीके से अच्छे से समझेंगे कि ex parte degree का मीनिंग क्या होता है, ये कैसे सेट असाइड होती है, डिफेंडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है अगर उसके पास एक बार एक्सपर्टी डिग्री उसके अगेंस्ट अगर पास हो जाती है. इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. पहले हम लोग एक बार ये जान लेते हैं कि एक्सपर्टी डिग्री को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें कौन कौन से ऑर्डर एंड रूल्स पढ़ने पड़ेंगे. देखिए, एक्सपर्टी डिग्री को सबसे समझने के लिए हम लोग ऑर्डर 9 पे स्पेसिफिकली हम लोग देखते हैं कि एक्सपर्टी मेन का कॉन्सेप्ट है. तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑर्डर 9 रूल 1, ऑर्डर 9 रूल 6 एंड 8, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 9 रूल 14. एक इसके अलावा एक सेक्शन भी है 96 क्लॉज 2 जो कि एक्स पार्टी डिग्री से अपील का कॉन्सेप्ट देता है. ठीक है, तो अभी हम लोग मीनिंग पे आते हैं. सबसे पहले एक्स पार्टी डिग्री का मतलब समझते हैं. देखिए, एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है डिग्री पास इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट. दैट मीन्स इन एब्सेंटी मीन्स ऐसी डिग्री जो कि डिफेंडेंट के एब्सेंस में पास हुई है. ठीक, दैट इज प्लेंटिफ डिफेंडेंट दो पार्टी जो होती है सूट की, उसमें डिफेंडेंट को बिना सुने ये डिग्री पास हुई है. ठीक है, ये स्टेज मोस्टली तब आती है जैसे कि जब कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट करा और डिफेंडेंट वहां पे आके उस सूट को रिस्पॉन्ड ना करे, वहां पे आके अपना डिफेंस ना करे, तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करता है. या फिर किसी एक सूट की किसी एक स्टेज पे आके किसी भी स्टेज पे लाइक जैसे एग्जामिनेशन हो रहा है प्लेंटिफ के विटनेसेस का और डिफेंडेंट वहां पे नहीं है जो कि मैंडेटरी है डिफेंडेंट के काउंसिल का वहां पे होना, अगर इस कंडीशन पे भी डिफेंडेंट एब्सेंट है तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है एक्स पार्टी का, दैट मीन्स वी विल प्रोसीड इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट. गेट इट? सो हम लोग मतलब अब इसका एक जनरली हम लोग समझ गए, क्योंकि उसको और डिटेल में समझेंगे. देखिए, हम लोग सबसे पहले एक स्टेज कवर करते हैं कि एक्स पार्टी की स्टेज आती कहां पर है. देखिए, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सेक्शन 26 सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट ऑर्डर 4. ठीक है, सूट अब ड्यूली इंस्टीट्यूट हो गया. अब लोग आगे की स्टेज क्या है, समन इश्यूड हुए 27, विद इन 30 डेज ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट समन इश्यूड हुए, वो डिफेंडेंट हो गए, ड्यूली सर्व हुए. दैट मीन्स अब ऑर्डर 5 रूल 1 और ऑर्डर 8 रूल 1 क्या कहता है, विद इन 30 डेज और 90 डेज डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करना है. देखिए, समन भेज दिया गया है डिफेंडेंट को, अब दो चीजें होंगी, या तो डिफेंडेंट आएगा या तो वो नहीं आएगा. मीन दैट मीन्स या तो डिफेंडेंट आके अपना डिफेंस देगा या तो वो नहीं रहेगा. अगर वो डिफेंस आएगा तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. डिफेंस में आएगा वो एक रिटर्न स्टेटमेंट अपना देगा जिसके बेसिस पे वो या तो एडमिशंस करेगा या तो डिनायल्स करेगा. उसके बाद कोर्ट बाकी अपना जैसे प्रोसीड करती है वैसे प्रोसीड करेगी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे, इसके अलावा भी जैसे भी आगे अपना प्रोसीड करेगी. तो ये एक जनरल स्टेज है. लेकिन हम लोग दूसरी स्टेज की बात करते हैं कि डिफेंडेंट आया ही नहीं, सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हुआ, समन सर्व हो गए, डिफेंडेंट आया ही नहीं, डिफेंडेंट ने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं अपना सबमिशन दिया, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं सबमिट करा, डिफेंडेंट एब्सेंट रहा बेसिकली. ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करता है और एक्स पार्टी डिग्री पास कर देता है. ठीक है, सो प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट करा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट नहीं आया, आफ्टर ड्यूली सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, समन ड्यूली सर्व हुए हैं, स्टिल डिफेंडेंट नहीं आया, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड करेगा. ये कहां पे दिया हुआ है, कौन सा लीगल प्रोविजन इसे बैक करता है, इसको बैक करता है. देखिए, एक बार ऑर्डर 9 रूल 6 देख लेते हैं हम लोग. ऑर्डर 9 रूल 6 क्या कहता है, प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, दैट मीन्स डिफेंडेंट एब्सेंट है. देखिए, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक,
समर सब में कोर्ट ने एक डेट फिक्स करी हुई, कोई जो समर मेंशन होगी जिस दिन कोर्ट ने दोनों पार्टीज को बुलाया होगा। ठीक है, एक बार सबसे पहले आप रूल वन देखिए, एक बार रूल ऑर्डर 9 का, ये कहता है कि ऑन द डेट फिक्स इन समर्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपियर एंड आंसर द पार्टीज शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय द रिस्पेक्टिव लीडर्स। देखिए क्या कहता है ऑर्डर 9 रूल 1 कि जो डेट समर में मेंशन है डिफेंडेंट के अपियर होने के लिए, उस डेट को प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को अपियर होना चाहिए, दोनों का अपियर होना पड़ेगा। शैल भी यहां पे लिखा हुआ है, मैंडेट है, इन दोनों में से किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैंडेटरी है कि दोनों पार्टीज यहां पे प्रेजेंट होंगी, इधर इन पर्सन और बाय देयर रिस्पेक्टिव लीडर्स। ठीक है, दोनों पार्टी आएंगी, ये ऑर्डर 9 रूल 1 कहता है। अब एक बार हम लोग देखते हैं ऑर्डर 9 रूल 8। देखिए, प्रोसीजर व्हेन ओनली डिफेंडेंट अपियर्स, when the defendant appears and the plaintiff does not appear, when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed. यही तक पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद तो हम लोग बाद में देखेंगे। प्लेंटिफ डिफेंडेंट, ठीक है, सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, कोर्ट ने डेट फिक्स करी, उस डेट को प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आया एज पर रूल 8, हम लोग रूल 8 की यहां पर बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट प्रेजेंट है, तो क्या कहता है रूल 8, सूट शैल बी डिसमिस्ड। कोर्ट इस सूट को डिसमिस कर देगी। ठीक है, अब लोग एक बार रूल 6 देखते हैं। देखिए रूल 6 क्या कहता है, where the plaintiff appears and the defendant does not appear, when the suit is called on for hearing, then when the summon is duly served, if it is proved that the summon were duly served, the court may make an order that suit be heard ex parte. ठीक है, हम लोग यहां रूल 6 की बात कर रहे हैं, plaintiff, defendant, जो डेट फिक्स हुई थी हियरिंग के लिए, उस डेट को plaintiff आ रहा है, डिफेंडेंट नहीं आ रहा, प्लेंटिफ प्रेजेंट है, डिफेंडेंट एब्सेंट है। क्या कह रहा है सेक्शन, एक्स पार्टे प्रोसीड कर देगी, सॉरी रूल कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड करेगी, एक्स पार्टे मीन्स इन एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में कोर्ट प्रोसीडिंग जैसे चल रही है वैसे चलने देगी, प्रोसीड करती रहेगी, ये सेक्शन 6 कहता है। देखिए प्लेंटिव एब्सेंट है तो सूट डिसमिस हो रहा है, डिफेंडेंट एब्सेंट है तो कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड हो रहा है, ऐसा क्यों, यहां पे डिसमिस क्यों हो रहा है, देखिए प्लेंटिव सूट का मास्टर होता है, प्लेंटिव होता है मास्टर ऑफ द सूट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्लेंटिव पे होता है, सूट को प्रूफ करने का, केस को प्रूफ करने का पूरा बर्डन प्लेंटिफ पे होता है, और अगर प्लेंटिफ ही एब्सेंट रहेगा तो सूट डिसमिस होगा। आप सीधी से एक ऐसे सिंपल लॉजिक से समझते हैं कि आप बैठे हुए थे, आपके पास आपका एक दोस्त आया और उसने आपसे बोला कि भाई मेरा मैटर एक ये है, इसको ऐसे सॉल्व कर दो, तो आपने अपना काम वगैरह छोड़ के आपने उससे बोला हाँ ठीक है मैं तुम्हारा मैटर सुनता हूं, उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई तो आपने कहा हाँ ठीक है तुम्हारा मैटर ऐसे ही सॉल्व होगा, हम दूसरी पार्टी को भी बुला लेते हैं जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, हम लोग उसको भी कॉल करते हैं, और फिर क्या हुआ कि आपने जो कॉल के जो आपने टाइम रखा था कि इस टाइम पे दोनों लोग हमारे पास आओगे, हम तुम लोगों को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे, उस टाइम पे जिसको आपने बुलाया वो तो आ गया, मींस अदर पार्टी तो आ गई, लेकिन जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आया था वही नहीं आया, दैट मीन्स उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आगे प्रोसीड करके क्या करेंगे, आप भी ये कहेंगे जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी कंप्लेन थी, तुम्हें रिलीफ चाहिए, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तो सूट डिसमिस कर देंगे हम लोग की, नहीं रहने दो, हम लोग ये सब काम खत्म करो, मैं जा रहा अपना काम कर रहे, तुम लोग जाके अपना काम करो, तुम्हें रिलीफ चाहिए, जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है खुद को रिलीफ लेने में, खुद को तुम्हें रेमेडी चाहिए, तुम्हें तब इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे प्रोसीड करके क्या फायदा है, राइट, इसलिए डिसमिस होता है, सेम लॉजिक पे कोर्ट डिसमिस करता है।
ये मास्टर ऑफ द सूट है प्लेंटिफ, अगर ये एब्सेंट होते हैं या फिर इनकी कोई भी फॉल्ट होती है तो मोस्टली सूट डिसमिस होता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इन्हीं पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर ही है, ठीक है, ये कोर्ट के पास आए हैं कि हमें रेमेडी चाहिए, तो इनको हमेशा सही होना पड़ेगा, प्लेंटिफ को हमेशा सही होना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड डिफेंडेंट की अगर हम बात करें, कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया डिफेंडेंट को कि इस डेट को मेरे सामने आना, आप नहीं आए, आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, तो इट्स अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, ये तो प्लेंटिफ है, ये तो आपके पास रिलीफ लेने आई है, रेमेडी के लिए आया ही है, आप इसकी बात सुनेंगे, इसको बिना सुने डिसाइड कर देंगे एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट की आपको सब कुछ, आपको समन सर्व हो गए हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको सफिशियंट टाइम दिया गया डिफेंस तैयार करने का, आप इसके बावजूद अगर नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपके आपके अगेंस्ट ही, आपके बिना हम लोग सूट कंटिन्यू करेंगे, सूट प्रोसीड करेंगे, आपके बिना इन योर एब्सेंस एक्स पार्टी प्रोसीड करेंगे, इन योर एब्सेंस हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक है कि यहां पे सूट डिसमिस होता है और यहां पे एक्स पार्टी सूट प्रोसीड होता है, ठीक। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन से स्टेज पे आएगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि रेमेडीज क्या क्या है। देखिए, एक्स पार्टी सूट प्रोसीड हुआ है, दैट मीन्स डिफेंडेंट को बिना सुने सूट प्रोसीड हुआ है, डिफेंडेंट के एविडेंस लिए नहीं गए, डिफेंडेंट को सुना नहीं गया, तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट ही डिक्री आई होगी, राइट। एग्रीव कौन हुआ? डिफेंडेंट। तो रेमेडीज कौन सॉर्ट करेगा? डिफेंडेंट। मतलब कौन आएगा? डिफेंडेंट के पास रेमेडीज, राइट। अब क्या क्या रेमेडीज हैं? सबसे पहली रेमेडी जो है, जो हमें डिटेल में पढ़नी है, वो है ऑर्डर 9 रूल 13। किस चीज की बात करता है ऑर्डर 9 रूल 13? टू सेट असाइड एक्स पार्टे डिक्री, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 3 रेमेडी है हमारे पास, किसकी बात करते हैं? टू सेट असाइड एक्स पार्टे डिक्री। इसके अलावा हमारे पास क्या रेमेडी है? वी कैन गो फॉर अपील, सेक्शन 96 क्लॉज 2 हमें राइट देता है कि एक्स पार्टी डिक्री के, मतलब सेक्शन 96 क्लॉज 2 ये प्रोवाइड करता है कि एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट अपील लाइक कर सकती है। मे वर्ड यूज हुआ है वहां पे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे सेक्शन 90 क्लॉज 2 मे वर्ड यूज हुआ है। थर्ड क्या है? हम लोग रिव्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन रेमेडीज हैं, टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 रूल 13 सॉरी, सेकेंड इज अपील फाइल कर सकते हैं लोग, थर्ड इज रिव्यू, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्डर 9 रूल 13, सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे पास पहली रेमेडी है एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट, टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिक्री, जो कि ऑर्डर 9 रूल 13 में दी हुई है, ये क्या कहना चाहता है पूरा प्रोविजन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, कौन सी कोर्ट में सेट असाइड की एप्लीकेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। सेकेंड, क्या ग्राउंड होते हैं जिसपे एक एप्लीकेशन कंसिडर करी जाती है हमारी टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, ठीक है। और कई चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो देखते हैं सर सब एक एक बार, तो पहले रीड कर लेते हैं सेक्शन को, इस प्रोविजन को, सॉरी। देखिए, ऑर्डर 9 रूल 13 क्या कहता है? इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिक्री वॉज पास्ड, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिक्री वॉज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड, एंड इफ ही सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट द समन्स वॉज नॉट ड्यूली सर्व और दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाई एनी सफिशियंट कॉज फ्रॉम अपियरिंग वेन द सूट वॉज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड अ डिग्री अगेंस्ट हिम,
ठीक है, इतना पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहली चीज इस सेक्शन ने क्या प्रोवाइड करी, एक तो राइट दिया हमें कि अगर एक्स पार्टी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो गई है तो वो एप्लीकेशन एक मूव कर सकता है कोर्ट में कि इस एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए। ठीक, सबसे पहली चीज है टू विच कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, इस क्वेश्चन को आंसर करता है ये प्रोविजन, कौन सी कोर्ट, द कोर्ट विच पास्ट सच एक्स पार्टी डिग्री। मीनिंग बाय उस कोर्ट में एप्लीकेशन ये मूव करनी होगी जिस कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास करी है। ये कोई अपील नहीं है कि हम लोग इससे सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे या फिर कोई दूसरी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जिसमें हम लोग ये एप्लीकेशन मेट करेंगे, नहीं, सेम कोर्ट होगी विच पास द डिग्री, वो सेम कोर्ट जिसने डिग्री पास करी है वही एक्स पार्टी की सेट असाइड की एप्लीकेशन इंटरटेन करेंगे, इसके अलावा और कोई कोर्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमें चीज समझिए कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन राइज करती है। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स पे डिग्री एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड हो सकती है। देखिए जो रूल 13 है हमारा, ये हमें दो ग्राउंड्स देता है। ठीक है, पहला ये बताता है व्हेन द समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व। ठीक है, पहला ग्राउंड ये है, प्रोविजन में लिखा हुआ। सेकेंड एनी अदर सफिशियंट कॉज, दो ग्राउंड्स है। पहला ग्राउंड हो गया कि जब समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ, मुझे डिफेंडेंट को समन ही नहीं मिला, समन ही सर्व नहीं हुआ, मुझे पता ही चला कि मेरे अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ। सेकंड एनी अदर सफिशियंट कॉज। ठीक है, तो हमें पहला डिस्कस कर लेते हैं, पहले समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व। देखिए प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करता है कोर्ट में बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, सेक्शन 26 कहता है हमारा, और अगर वो सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट है तो समन इश्यूड होता है, सेक्शन 27 हमारा कहता है। समन का पर्पस क्या होता है कि डिफेंडेंट को पता चले कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है और वो अपना एक सफिशियंट डिफेंस रेडी कर पाए, प्रिपेयर कर पाए डिफेंस को अपना, इसलिए समन इश्यूड होता है। इसी पर्पस के लिए इसके साथ क्लेम भी अटैच होती है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। समन इसलिए सर्व होता है कि डिफेंडेंट को पता चल जाए, पूरी डिटेल उसके पास हो ताकि वो अपना डिफेंस रेडी कर पाए। अब अगर उसे समन ही नहीं मिला है, डिफेंडेंट को पता ही नहीं चला कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, तो सीधी सी बात है वो तो एब्सेंट होगा ही, जो भी फिक्स डेट रही होगी कोर्ट ने फिक्स करा होगा, डिफेंडेंट को कैसे पता चलेगा, डिफेंडेंट को पता ही समन के थ्रू चलता है। अगर समन ही नहीं मिला डिफेंडेंट को तो उसे पता नहीं चला कि कौन से डेट को हमें अपेयर होना है, डेट तो समन में मेंशन थी, तो डिफेंडेंट वॉज एब्सेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और अगर ऐसा रीजन है तो कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, प्रोवाइजर 2 देखिए एक बार आप लोग, प्रोवाइजर 2 ये कहता है कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि समन सर्व नहीं हुए हैं, सिर्फ इस ग्राउंड पे डिग्री सेट असाइड नहीं हो सकती, कब, जब डिफेंडेंट को सूट के एग्जीक्यूशन के बारे में पता था और उसके पास सफिशियंट टाइम था अपने डिफेंस को रेडी करने का। मीनिंग देयर भाई, अगर डिफेंडेंट को पता था कि उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है और उसके पास सफिशियंट टाइम था कि वो अपना डिफेंस रेडी कर सकता था,
ये एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड नहीं होगी इस ग्राउंड पे कि समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ था। समन का पर्पज होता है कि आपको पता चल जाए कि आपके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। अगर आपको पहले से पता है और आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप अपना डिफेंस रेडी कर सकते हैं, फिर भी आपने नहीं करा, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, डिग्री सेट असाइड नहीं होगी। ठीक है, प्रोवाइजो कहता है, सेकेंड प्रोवाइजो का दिया हुआ। ठीक, सेकेंड ग्राउंड पे हम लोग आते हैं, एनी अदर सफिशियंट कॉस्ट। ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के पास, सफिशियंट कॉस्ट कोर्ट की नजरों में, कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो सफिशियंट कॉस्ट है कि नहीं है, कोर्ट के ऊपर है। आप अपना रीजन देंगे कि मैं इस रीजन से नहीं आ पाया, कोर्ट डिसाइड करेगी कि सफिशियंट कॉस्ट है। देखिए, सफिशियंट कॉस्ट एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत वाइड टर्म है, इसका इंटरप्रिटेशन काफी वाइड हो सकता है, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं। जैसे कि डिफेंडेंट को जिस दिन अपियर होना था, जो डेट थी कोर्ट में रखी थी हियरिंग की या फिर अपियरेंस की, उस दिन या फिर उससे एक दो दिन पहले डिफेंडेंट के घर पे कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है, ये सफिशियंट कॉज। ये लोग सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कोई ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि हाँ इसके कोई पर्टिकुलर किसी प्रोविजन में कोई लिस्ट नहीं प्रोवाइड करी हुई है कि हाँ इन चीजों को हम लोग सफिशियंट कॉस्ट कहते हैं, सफिशियंट कॉस्ट कहेंगे। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सफिशियंट कॉस्ट है कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक, और क्या हो सकता है कि आप हियरिंग के जा रहे थे, मतलब मीन्स डिपेंडेंट दूसरे स्टेट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ जहां पे कॉज ऑफ एक्शन दर्ज हुआ था, डिफेंडेंट जा रहा था वहां पे, उसकी ट्रेन डिले हो गई, तो वो कोर्ट में जिस टाइम पे हियरिंग थी वो कोर्ट आज के बाद पहुंचा। ठीक, इसमें आपकी तो गलती नहीं है, इसमें डिपेंडेंट की तो गलती नहीं है, वो तो अपने घर से निकला था कि हाँ ठीक है मुझे कोर्ट का ऑर्डर मानना है, मुझे इस डेट को वहां पे प्रेजेंट होना है, उस डेट को अपियर करना है, लेकिन नहीं कर पाया क्यों, क्योंकि ट्रेन लेट हुई, सफिशियंट कॉज। ठीक है, ऐसी कोर्ट डिसाइड करेगा क्या जो सफिशियंट कॉज है, वो सफिशियंट कॉज आपकी नजरों में नहीं, मीन डिपेंडेंट की नजरों में नहीं, वो कोर्ट की नजरों में सफिशियंट कॉज होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये भी हो गया, हम लोगों ने ग्राउंड्स समझ लिए कौन से ग्राउंड्स में डिग्री सेट असाइड हो सकती है। बस इससे ज्यादा इस सेक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ, बस कि हमारा एक्स पार्टी डिग्री कंप्लीट हो गया है, बस एक रूल और बच रहा है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज रूल 14, ऑर्डर 9 का रूल 14, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि अगर डिफेंडेंट सेट असाइड की एप्लीकेशन मूव करता है 913 में, कौन डिफेंडेंट, ठीक है, अगर डिफेंडेंट 913 में एप्लीकेशन मूव करता है कोर्ट के पास, तो कोर्ट वो एप्लीकेशन तब तक नहीं डिसाइड करेगी जब तक वो एक सफी नोटिस नहीं दे देती किसको, प्लेंटिफ को। जब तक प्लेंटिफ को इसके बारे में नोटिस नहीं दे देती है, उसको एक सफिशियंट टाइम नहीं देती है, सफिशियंट हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है, तब तक ये 913 के एप्लीकेशन में डिग्री सेट असाइड नहीं करी जा सकती है। ये बहुत सिंपल सी बात कहता है, सीधी सी बात है, आपको प्लेंटिफ को डिग्री उसके फेवर में पास हो गई है, अब एक एप्लीकेशन जो डिफेंडेंट ने मूव करी है कोर्ट को, जिसके बारे में प्लेंटिफ को पता भी नहीं है, तो कोर्ट उसको बताएगी कि जो आपको डिग्री पास हो गई थी आपके फेवर में, उसी के अगेंस्ट डिफेंडेंट ने एक एप्लीकेशन मूव करी है कि उस डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए, कोर्ट को बताना पड़ेगा प्लेंटिफ को। तो यही चीज रूल 14 कहता है कि जब तक नोटिस नहीं मिल जाती, उसको सफिशियंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है हियरिंग की प्लेंटिफ को, तब तक कोई भी एप्लीकेशन 914 की 913 की डिसाइड नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये भी कवर कर लिया। एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री, दैट मीन्स कैन अ कोर्ट सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री अंडर सेक्शन 151 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। द आंसर इज नो। देखें,
इनहेरिट पावर का यूज होता है टू डू कंप्लीट जस्टिस. दैट मीन्स अगर कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ ऐसी चीजों की भी जरूरत है, कुछ ऐसे प्रोसीजर की जरूरत है, या फिर कोई भी ऐसी रेमेडी चाहिए किसी भी पार्टी को जो कि प्रोविजन में नहीं है, किसी मतलब अपने हमारे सीपीसी में नहीं दिया हुआ है, तो कोड 151 को यूज करके वो रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है. लेकिन क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 13 स्पेसिफिकली प्रोवाइड कराता है, ऐसा प्रोविजन है ये कि जिसमें सेट असाइड हो सकती है एक्स पार्टी डिग्री, तो इसलिए 151 में मतलब दैट मीन्स इनहेरेंट पावर का यूज करके एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड नहीं करी जा सकती है क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन है. जब स्पेसिफिक प्रोविजन है तो हम लोग ऑर्डर 9 रूल 13 में ही जाएंगे, हम लोग स्पेसिफिक प्रोविजन में ही जाएंगे, ना कि अंडर सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट. ठीक है, ये हमारा हो गया. एक दूसरा सा कॉन्सेप्ट है एक्स पार्टी डिग्री एक केस में पास हुई, एक सूट में एक्स पार्टी डिग्री पास हुई, प्लेंटिफ ने वो डिग्री एग्जीक्यूट करा ली. ठीक है, उस डिग्री के फ्रूट्स ग्रैब कर लिए प्लेंटिफ ने. क्या अब डिफेंडेंट 913 की एप्लीकेशन मूव कर सकता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एक्स पार्टी डिग्री, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्स पार्टी डिग्री? इसका आंसर है यस, ही इज स्टिल हैविंग अ राइट टू मूव एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन डिग्री एन एक्स पार्टी डिग्री इफ इट इज नॉट टाइम बार्ड. अगर लिमिटेशन से वो बार्ड नहीं है वो एप्लीकेशन, जितने दिन में प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन अगर उतने दिन के अंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डिग्री ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है. डिग्री ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, प्लेंटिफ को फ्रूट मिल चुका है उस डिग्री का, कोई बात नहीं, प्लेंटिफ को रिटर्न करना पड़ जाएगा डिफेंडेंट को. अगर एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के बाद अगर डिफेंडेंट फाइनली लास्ट में सूट जीतता है, डिफेंडेंट के फेवर में अगर सूट डिसाइड हो गया, तो प्लेंटिफ को रिटर्न करने पड़ जाएंगे फ्रूट्स, इसको हम लोग रेस्टिट्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट थे, ये कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं या फिर कभी भी छोटे से स्टेज पे पूछ लेते हैं, बहुत छोटे से माइनर से क्वेश्चन है, ये दोनों पता होने चाहिए आपको. सो विद दिस वी हैड डन द एक्स पार्टी डिग्री, हमारा एक्स पार्टी डिग्री पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है. एक्स पार्टी डिग्री का एक कॉन्सेप्ट बचता है अपील, एक्स पार्टी डिग्री से अपील अंडर सेक्शन 96 क्लॉज 2. ये चीज हमारी बची हुई है जो कि दूसरी रेमेडी है एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट, जो डिफेंडेंट के पास राइट है. इसको हम लोग तब करेंगे जब हम लोग अपील पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम लोग अपील को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग 96 टू पढ़ेंगे. सो हमारा एक्स पार्टी डिग्री कंप्लीट है, वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू.